So here I am at one of the restaurants, and yahan se ek baar jana hai. One thing that was problem creating a problem, that is yahan pe barish ho raha tha, so thoda late ho gaya hum, but after that I'm having my lunch, you can say. It's butter naan and kadhai paneer maybe. Yeah, acha hai. Now I need to go, jaldi kha ke nikalna hai. I'll be meeting after that. इको पार्क में पहुंच गया एंड बहुत ज़ोर की सुसु लगी है एंड ढूंढना एंड बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, आई नो दैट, वो आदत हो गई अभी तो. अभी जाना होगा ढूंढने कि कहाँ पे थोड़ा हल्का किया जाए खुद को, फिर मस्ती करने जाएंगे वहाँ पे. बारिश हो रहा है एंड आई एम कमिंग टू इको पार्क एंड दैट टू अलोन. मज़ा बहुत अलग सा हो रहा है एंड आई एम लविंग दैट थिंग. बहुत अच्छा लग रहा है, कितना खाली लग रहा है देखो, जस्ट लुक एट इट, कितना खाली है. आसमान में बादल छाए हुए हैं, मैं कह रहा हूँ खाली है पूरा इको पार्क. लग ही नहीं रहा है आज वीकेंड है. सुसु करने का जगह कहाँ? बाइक पे जब आ रहा था ना, जितना बाइक वाइब्रेट कर रहा था, मेरा तो वहीं हो जाना था. मैंने इको पार्क पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, द लिंक इज़ अप हियर, जाओ जाके देख लो. हियर और हियर भूल जाते हैं, जाओ जाके देख लो, अच्छा वाला वीडियो बनाते हैं. So what's up everyone, I hope you're doing absolutely fine. Welcome to Unwrap Zindagi. आज हम लोग नहीं मतलब मैं और वहाँ पे ट्रेनर हैं, आए हैं कहाँ पे समझ आ रहा है कुछ? टाइटल तो पढ़ ही लियो, आइस स्केटिंग रिंग में. अब खाली इसलिए है, इतना अच्छा हुआ कि खाली है, मतलब शोर नहीं होगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा कि बारिश आज बहुत ज़्यादा हो रहा है. एज यू सॉ आई वॉज राइडिंग दैट बाइक एंड इट वॉज ऑसम. सो दिस इज़ द शू सेक्शन, इतने सारे हैं, मतलब एक साथ कितने सारे कर सकते हो कितने सारे यहाँ पे सॉक्स पहनना होगा एंड जितना करूँगा उतना पता चलेगा क्या क्या है यहाँ पे. 42 हो जाएगा ये आपका सूट और आपका कैसे पहले सॉक्स पहन लीजिए. ओके ये नी गार्ड है. ओके एंड ये एल्बो गार्ड है. एल्बो गार्ड ओके. हाँ और इसके बाद आपको एक हेलमेट देंगे. ओके ये रहेगा आपका हेलमेट. ओके ठीक है. इसको वहाँ पे लिखा वो न्यू सॉक्स 40 रुपीज़. हाँ अगर आप नया सॉक्स लेना चाहते हैं, ये सॉक्स जो आप पहनेंगे वो हम लोग दे रहे हैं अभी प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आप नया सॉक्स लेंगे तो इसको 40 रुपीज़ अलग से लगेगा आपको. सॉक्स फिर आप लेके जा सकते हैं. अच्छा फिर लेके जा सकते हैं. हाँ How should I get up? Okay. So I am standing and ये better होगा कि कोई पकड़े क्योंकि गिरने तो वाला हूँ ही मैं. हाँ. तो पकड़ लो भाई. पकड़ लो.
यहाँ पे स्टार्टिंग में रेलिंग पकड़ के पूरा एक राउंड लगाना होता है इस पूरे स्केटिंग रिंग का, तब तुम्हारा धीरे धीरे बैलेंस आना स्टार्ट होता है। एंड मेरा पूरा एक राउंड लगाने के बाद एज यू कैन सी धीरे धीरे मैं बीच से चलना सीख गया था लाइक विदाउट एनी सपोर्ट। तो बहुत डिफिकल्ट था लेकिन इट वॉज ऑल्सो फन। मैं गिरते गिरते बहुत बार बचा हूँ बट पूरे सेशन में मैं सिर्फ एक ही बार गिरा हूँ और गिरते गिरते बचा बहुत बार हूँ। यहाँ पे ये रियल आइस नहीं है, ये आर्टिफिशियल आइस, इसको स्विल कहते हैं या फिर ग्लाइस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा आइस जैसे फीलिंग देता है बट वो वेट नहीं होता कि भीगता नहीं है, तो आप गिर जाते हो तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। और इसको देखो कितना स्मूथली चलाता है ये मतलब चलाता है मतलब स्केटिंग करता है। अब मेरे को देखो तो ये जो ट्रेनर यहाँ के कृष्णदेव यादव थे, तो ही वॉज अ वेरी गुड ट्रेनर। पूरा एकदम स्टेप्स कैसे स्टॉप करना है, कैसे चलना है, कैसे बैलेंस लाना है, बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में सिखा दिया था। तो ही वॉज अ नाइस गाय। और फाइनली इतना बैलेंस आ गया था कि मैं खुद कैमरा पकड़ कर स्केटिंग बोलो या फिर आइस पे चलना बोलो कर पा रहा था। सो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन दैट डे, कुछ नया सीखने को मिला मुझे। तुम भी आओ ट्राई करो। ये थे मेरे ट्रेनर, आपका नाम? कृष्णदेव यादव। तो बहुत अच्छा सिखाया इन्हें, जो स्टेप सिखाया मैंने। कितना सीखा आप कहोगे? आधे घंटे? बहुत अच्छा सीख लिए, बैलेंस तो हो गया आपका। बैलेंस हो गया तब भी आएंगे आप अच्छे से स्केटिंग कर लेंगे। हाँ, वो मतलब एकदम फ्लो में नहीं था बिल्कुल, आप थोड़ा थोड़ा हो रहा, बहुत अच्छे से बैलेंस आ गया। हाँ, बैलेंस आ गया मतलब बहुत अच्छे से किए। आपको भी फीलिंग होगा आप कैसे किए, आपको तो मजा आया होगा। एक बार गिरा मैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रुप आते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पे एक काउंटर है जहाँ पे वो कहाँ गया, हाँ दिस वाला, यहाँ पे क्या क्या मिलता है वहाँ पे? स्नैक्स वगैरह सब मिलता है, सारा चीज मिलता है और फूड यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे बर्थडे पार्टी का ये तो बुक करना होता है, बुक करते हैं। कितना चार्जेस होता है बुकिंग का? उसका जैसे लोग के अनुसार होता है, टाइमिंग के अनुसार होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत सारे मजा आता है यहाँ पे, डीजे लगाते हैं हम लोग 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक हाउस फुल चलता है। अरे बाप, तो प्राइस बढ़ता है तभी? हाँ, तब यहाँ पे एंट्री चार्ज होता है 100, स्केटिंग चार्ज 200 ही होता है। अच्छा, एंट्री चार्ज लगता है तब? नहीं, हाँ यहाँ पे एंट्री चार्ज होता है 100। हाँ, और हाउस फुल चलता है, बहुत सारे बहुत मजा आता है, सब लोग आके डांस करते हैं पूरा। बहुत मेरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो भी है उसका। अच्छा, तो आपके यूट्यूब का चैनल नाम क्या है? मेरा नाम कामदेव यादव है। उसी के चैनल कामदेव यादव, आपका लिंक मुझे दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल मैं दे दूंगा। और आप देख सकते हैं मेरा स्केट, दिखा दीजिए थोड़ा इधर आपके व्यूअर्स को, ये रहा मेरा स्केट। ये आपका ही है? हाँ, ये मेरा स्केट है। ओके, ये ब्लेड लगा हुआ है। अच्छा, ये ब्लेड स्लिप करता है, कौन सा भी आइस हो या फिर आर्टिफिशियल आइस हो। हाँ, ये स्लिप करता है। ओके, हम लोग इसको साफ भी करते हैं, इसको अच्छा, तेज अच्छा, करते हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा, सभी स्केट में ये ब्लेड लगा हुआ है? हाँ, सभी स्केट में लगा हुआ है। अच्छा, और सब स्केट शार्प है। हाँ, और यहाँ पे बच्चों का भी स्केट है, आप इधर आइए दिखा देते हैं आपको। ये है बच्चों का स्केट। अच्छा, बच्चों का? ये छोटे छोटे बच्चे इससे करते हैं स्केट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल होता है। अच्छा, ये आपके जो जूते थे वो बढ़िया थे?
नहीं सब जूते सब एक ही जैसे होते हैं अच्छा लेकिन थोड़ा करने का टेक्निक होना चाहिए स्लाइडिंग होना चाहिए अच्छे से मूवमेंट होना चाहिए हाँ वो तो बात बाकी तो सब स्टेप्स तो वही है स्टेप्स तो वही है हाँ और नहीं ये अच्छा सिखाते हैं आप थोड़ा दिखा दीजिए कैसे लोग स्केटिंग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे रेगुलर रहते हैं रेगुलर बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं स्टूडेंट्स लोग आते हैं कॉलेज से या फिर कोई भी बहुत सारे लोग पार्टी करने के लिए आते हैं तो इधर घूम के आते हैं तो आइस स्केटिंग मज़े से करके जाते हैं सबको बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आइस स्केटिंग में तो यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग ट्रेनर है नहीं यहाँ पे लड़के लड़की सब सब करा सकते हैं और कितने ट्रेनर है यहाँ पे टोटल हम लोग चार ट्रेनर हैं तो अभी एक छुट्टी में है और दो छुट्टी में है हम लोग दो यहाँ पे अभी हैं तो उन लोग भी आ जाएंगे और अभी तो अभी आज बारिश था इसलिए उन लोग छुट्टी ले लिए ऐसे तो भीड़ नहीं था आज और यहाँ पे अभी एंट्री चार्जेस है आधे घंटे के लिए 200 और 45 मिनट के लिए संडे के लिए नहीं वो वीकेंड्स के लिए है वीकेंड्स के लिए वीकेंड्स के लिए आधे घंटे के लिए 200 है हाँ। और वीकडेज के लिए है 180 वीकडेज के लिए आधे घंटे के लिए 180 हाँ और वीकेंड्स के लिए 200 है वीकेंड्स के लिए 200 हाँ वैसे तो हम लोग 10-15 मीटर तो ज़्यादा दे देते हैं स्केटर लोग जो अच्छे करते हैं यहाँ पे मेंबरशिप का भी प्लान भी है मेंबरशिप का हाँ यहाँ हम लोग रेगुलर क्लास भी चलता है अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट छोटे छोटे बच्चे ऑल एज ऑल एज ग्रुप यहाँ पे सीखते हैं स्केटिंग क्लासेस का अच्छा उसका मेंबरशिप का प्लान अलग है थोड़ा उसमें अभी डिस्काउंट भी चलता है कभी कभी तो आपके वेबसाइट है अलग हाँ आइस स्केटिंग का तो वेबसाइट है लिंक मुझे दे देना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में ठीक है और अपने व्यूअर्स को बता दीजिए कितना मजा आया यहाँ पे सही में मतलब सोच के आया था कि पता नहीं क्या हो बट सही में लोग सिखाते हैं अच्छी तरीके से यहाँ पे जैसे स्केटिंग सीखने में लोगों को मिनिमम 1 month समथिंग लग जाता है लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं तो फर्स्ट क्लास में ही बैलेंस बहुत अच्छे से बन जाता है चलने लगते हैं लेकिन स्केटिंग हो जाता है अगर स्पीड चाहिए होती तो दो क्लास दो तीन क्लास में हो जाएगा बिल्कुल कर लेते हैं हम लोग देखिए हम लोग यहाँ पे मतलब बहुत दिनों से हम लोग का एक्सपीरियंस है अच्छा वैसे भी हम आप कितने साल से कर रहे हो मैं तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ मैं वेस्ट बंगाल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन रोलर स्केटिंग का रोज नहीं कॉम्पिटिशन जीत चुके हैं मैं रोलर स्केटिंग का क्लास भी कोलकाता में बहुत सारी जगह कराता हूँ अच्छा इनलाइन स्केटिंग है आर्टिस्टिक स्केटिंग है एंड डांस का वो ये सब बहुत सारा स्केटिंग डांस का भी है कुछ आर्टिस्टिक स्केटिंग होता है स्केटिंग में डांस करते हैं ना अच्छा वो सब वो भी आप करते हो बिल्कुल आपके चैनल में है ये सब नहीं मेरे चैनल में नहीं है ये सब लेकिन डाला चाहिए मैं डाला नहीं हूँ मैं सोचता हूँ उसको डालूंगा बहुत सारे बार मैं भी गिरा हूँ बहुत तेज तेज गिरा हूँ लेकिन लगता नहीं है अच्छा अच्छा ऐसे गिरने से मजे ही आते हैं लोग तो गिरते हैं स्केटिंग करेंगे सीखेंगे तो गिरना पड़ेगा तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी थोड़ा मशीन भी लगा हुआ है इसके अंदर मशीन है हाँ क्या करता है वो इसको थोड़ा सा अंदर से पकड़ के रखते हैं अच्छा अच्छा अंदर से पकड़ के रखते हैं और ऑनलाइन में कहाँ से नियर बाई से बुक कर सकते हैं हाँ ऑनलाइन में नियर बाई से बुक कर सकते हैं वहाँ से आपको सस्ता पड़ेगा ओके नियर बाई से कभी भी बुक करिए ओके वहाँ पे आपको 30 मिनट्स के लिए 125 रुपीज लगेगा 30 मिनट्स के लिए 125 अच्छा वहाँ पे कम होता है ऑनलाइन में अगर नियर बाई से बुक करोगे तो थोड़ा कम होगा थोड़ा नहीं बहुत ही कम होगा जैसे 125 रुपीज कमी है बिजनेसली लेकिन मैं आपके व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दिसंबर में जरूर आइए दिसंबर 5 दिसंबर से 1 जनवरी तक एक बार जरूर आइए जो यहाँ पे 25 दिसंबर से 1 जनवरी आते हैं तो फिर लाइफ में कभी नहीं बोलते यहाँ पे आना और रेगुलरली आते हैं अब तो मुझे लग रहा है मैं ही आऊँगा बिल्कुल आप एक बार आके 25 से 1 जनवरी तक हाँ 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये तब मतलब आओ यहाँ पे तब यहाँ पे हम लोग डीजे लगाते हैं ओके थैंक यू भैया कृष्ण देव भैया जो है बहुत अच्छे हैं उनके सामने बस बोल रहा था ऐसा नहीं है बहुत अच्छा सिखाते हैं और मैंने पूरा बैलेंस करना सीख लिया अब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मतलब फ्लो में स्पीड में चलना सीखूँगा चलना भी सीख लिया सब सीख लिया है स्पीड के अलावा सो अंटिल नेक्स्ट टाइम एक मिनट कुछ बाकी है इस वीकेंड का प्लान ऐसा ही कुछ था थोड़ा मतलब एब्रप्ट प्लान था इसलिए क्या किया जाए फिर सोचा इसमें आया जाए बहुत मन था इको स्केट में स्विल इको स्केट मैन इसमें आने का बहुत मन था बहुत दिनों से फाइनली आई केम और
बहुत मज़ा आया, दैट इज़ द थिंग कि फालतू में 200 रुपए दे के नो, बहुत मज़ा आया। आओ यार वीकेंड्स में घूमो यार, लाइफ इंजॉय करो, बैठ के वीडियो भी देखो, मेरे वीडियोज़ भी देखो बैठ के, बट साथ ही साथ खुद भी घूमो, खुद भी जाओ इधर उधर, मस्ती करो। स्नीक पिक्स एंड स्टफ्स उसके लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि कुछ बिहाइंड द सीन्स होता है, व्लॉग के भी पीछे का कुछ सीन होता है जो दिखाई नहीं देता है, तो इन दैट केस डू फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड विद दैट सेड टिल द टाइम ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी। थैंक यू, और यहाँ पे ज़रूर आओ, मैं शायद आने वाला हूँ 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में, आई एम नॉट श्योर, बट अगर आऊँ तो मस्ती बहुत होने वाला है, सो कम ओवर हियर, और बहुत मज़ा आएगा। और मैं समझ नहीं आ रहा कहाँ से निकलना है, कहाँ से निकलना है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर से निकलना है भैया, इधर से जाके वो सामने गेट है, ओके।